हेलो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज का हमारा टॉपिक ये है एनिमल डाइवर्सिटी। बस एक ही लोग आए अभी तक, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी देखा? इसीलिए बोलते हैं कि भाई लोग सीरियस ही नहीं होते हैं क्विज के लिए, तो देखो लोग सीरियस ही नहीं है। आयुष आ गए भाई, हेलो। बाकी लोग आ जाओ आ जाओ। शिखा, ओके, अगेन गुड इवनिंग। बस थैंक यू प्रणय। चलो तो भाई अपन स्टार्ट करें। अब देखो होता यही है कि भाई जब 6 लोग ही आने हैं तो हम उनको और अच्छे से कंटेंट दे दें। हम बाकियों के जब भीड़ के चक्कर में अच्छे से कंटेंट नहीं दे पाते तो मुझे भी बुरा लगता है ना? तो ठीक है, अब जैसी जिसकी इच्छा। हाँ प्रणय, मुझे पता लगा तुमने ज्वाइन कर लिया है, अभी अभी पता लगा। मिलके बिल्कुल खतरनाक तरीके से क्रैक करेंगे। बस हो गया सबका, स्टार्ट करें। चलो हाँ, तो हमारा पहला सवाल, आई होप सबको विजिबल होगा, दिख रहा है सबको? बिल्कुल बॉस। चलो पहले क्वेश्चन देख लो और फिर तुरंत से आंसर करो। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, तो अब आपको मैं पूरा सवाल दिखा देता हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। स्टार्ट हो चुका है, चलो जल्दी से। और जो भी नया है भैया सब्सक्राइब करते जाना, और अपने जो जो खबर है वो पहले से पढ़ते जाना है ना। अभी इसके पहले वाला वीडियो सब लोग देख लेना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो। खुशी डी, ओके। बाकी लोग सिर्फ एक ही आंसर आया अभी तक, जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी उसके चक्कर में फ्लो में मत बहो, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। काफ़ी इजी है, मैचिंग के क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, ठीक है? मैचिंग के क्वेश्चन में मत जाना, अपने टफ बात लिए अपन बचा के रखते हैं ना, अच्छे हथियार अपन बात के लिए बचा के रखते हैं। सब डी बोल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। क्वेनोसाइट्स किसमें मिलते हैं भाई? पोरीफेरा, नाइडोब्लास्ट, सीलेंट्रेटा, फ्लेम सेल्स, प्लेटिएलमिंथीज, नेफ्रिडिया, एनेलिडा, कॉम्प्लेट्स, टीनोफोरा। आई होप आंसर अब आपको मिल जाएगा। सारे लोगों ने डी बोला है, मतलब आंसर सही होगा, A3, B4, C1, D5, E2, ठीक है? चलो ये चीज समझ में आई ना? क्वेनोसाइट्स देखो थोड़ा सा बता भी देता हूँ। क्वेनोसाइट्स क्या होती है? जो लाइनिंग को कवर करती है, जो वॉल होती है ना उसको लाइन करती है। नाइडोब्लास्ट की हम बात करें तो नाइडोब्लास्ट क्या होती है? टेंटेकल्स के ऊपर होती है, आपको पता होगा, इसीलिए नेडीरिया भी नाम मिलता है। फ्लेम सेल ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नेफ्रिडिया भी सेम काम करती है। कॉम्प्लेट ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। 8 रोज होती है सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है टीनोफोरा के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। श्रेजल बी बोल रही है, अच्छा हटा लिया, पूरा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, ठीक है अब से दिखाई देगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन गायब हो गया है, क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुन लो। यहाँ पर पूछा गया, ये जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू बताओ किस फाइलम से मैच कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट किस फाइलम के हैं, ये क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा, किस फाइलम के स्टेटमेंट्स हैं, मतलब इनमें से कौन से फाइलम के लिए ये स्टेटमेंट लिखे गए हैं। प्रणय ने आंसर किया है डी, अच्छा ये पुराने वाले का किया है क्या? नहीं पुराने वाले का किया है, नए वाले का करो भाई फटाफट, बिल्कुल
स्पीड में। खुशी ए, आज खुशी बड़ी जल्दी जल्दी आंसर कर रही है। ए आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करो जल्दी से। चलो सब पॉरीफेरा बोल रहे हैं, बिल्कुल सारी लाइन पॉरीफेरा की है। जिसको बिल्कुल ये मतलब ऐसा है कि हमको कुछ याद नहीं है, तो ये वाटर कैनाल सिस्टम तो देख ही सकता है इंसान, है ना, वाटर कैनाल सिस्टम सीधा। उसके अलावा भी प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है ये, पॉरीफेरा ओपन करके देखो। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, ये सेवेंथ या एट्थ लाइन में लिखा हुआ है। दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये भी लिखे हुए हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये नीचे से चौथी लाइन में लिखा हुआ है। तो ये सारी बात है पॉरीफेरा के लिए, ठीक है। चलो सबने सही बताया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये भी बता दो, उससे हेल्प मिली थी क्या, जो पढ़ाया था वो किसी ने अच्छे से पढ़ के, उससे हेल्प मिल रही है क्या? ओ फिनोमिनल, तुम लेट हो गए, प्रीवियस क्लास में नहीं आए तुम। आ जाओ जल्दी आ जाओ, आंसर करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैचिंग के क्वेश्चन में हमेशा सिंपल ही होते हैं हमारे, लेकिन मैचिंग के क्वेश्चन सिंपल होने की जगह वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन उससे गेन करना होती है। भैया जो भी नया आ रहा है, कमेंट नहीं कर रहा है, शर्मा रहा है, वो ये सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करते जाओ, पता तो लगे कौन कौन नया आ रहा है ना। नए लोग क्या करते हैं, आते हैं ऐसे बिल्कुल छुप के ऐसे और गायब, जैसे कोई मतलब पकड़ लेगा इनको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आज तो तुम्हें पकड़ लेंगे, ऐसे कोई नहीं पकड़ने वाला। जल्दी जल्दी, एक आंसर आ गया है, दो आंसर आ गए, इवन ए और ए। चलो भाई देखते हैं, भाई दो आंसर आ गए। तो भाई क्या क्या पूछा है इन्होंने? अच्छा इन्होंने सिंपल सी बातें पूछी हैं, तो अपन मार्क कर देते हैं। पॉरीफेरा को कहाँ ले जाए, अभी पिछले क्वेश्चन में ले गए थे वहीं। कोएनोसाइट्स, मोलस्का को कहाँ ले जाए, रेड्यूला। रेड्यूला क्या था, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, याद आ रहा है कुछ? मैं जो आपका मोलस्का वाला पेज है, उसमें लास्ट लाइन यही लिखी है, राइट साइड वाला पेज है, लास्ट लाइन यही लिखी है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, ठीक है। इसके अलावा टीनोफोरा, टीनोफोरा में भाई हम क्या बात कर सकते हैं, टीनोफोरा में हमको क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेट्स, ये हमको कॉम्प्लेट्स दिख गई। एम्फीबिया में क्लोइका, क्लोइका क्या था, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट हो चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, सबके लिए सिंगल ओपनिंग होती थी क्लोइका। मेमेलिया में मेमरी ग्लैंड्स मिलेंगी, सिंपल सी बात, आंसर आप लगा लीजिएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो यहां पर भी आपको मैचिंग मैचिंग खेलना है, खेलो मैचिंग मैचिंग, हो जाओ शुरू। ये थोड़ी अच्छी वाली मैचिंग है क्योंकि इसमें तीन चीजें पूछी हैं, पर ये अच्छी वाली मैचिंग सबसे इजी होती है। मैं साइड हो गया हूं, आई होप। ओके संग्रिया, आप भी बेटा लास्ट, अभी जो इससे पहले हमारी क्लास हुई उसमें नहीं आई, जो हमने अभी अनाउंसमेंट किया वो अनाउंसमेंट आप जरूर देख लीजिएगा संग्रिया। और दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अनाउंसमेंट को, ठीक है, जिससे कि वो लेट ना हो जाए। दिक्कत ये नहीं है कि ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, दिक्कत ये है कि जो ज्वाइन करेंगे और लेट ज्वाइन करेंगे वो इश्यू उनके साथ हो जाता है। जल्दी से आंसर करें, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ये। अरे भाई किसी किसी को ये डाउट आ रहा होगा, इसे पूछा क्या है ना, तो ये पूछा है मैच द एनिमल नेम कॉलम विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फाइलम क्लास टू विच इट बिलोंग्स। तो मुझे लग रहा था कि आप कॉलम देख के समझ जाएंगे आपको करना क्या है। एक नेट बट तेरा, यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रदीप, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से तीनों में से एक जैसे मैच के कौन किससे कर रहा है, बस ये मैचिंग करके बतानी है आपको। डी फिनोमिनल, तीन बार डी पढ़ना है, ए ओके इट्स ओके, खुशी डी। भाई दो आंसर आ गए, एक ए है एक डी है, चलो देख लेते हैं, बाकी लोग भी बता दो। शिवम डी, चलो देखते हैं भाई। इक्टायोफिस, इक्टायोफिस क्या था याद है कुछ, लिम्बलेस एम्फीबिया, क्या होता है ये, लिम्ब लेस एम्फीबिया, याद आ रहा है कुछ? तो भैया लिम्बलेस एम्फीबिया यहां टेरेस्ट्रियल लिखा है, सही हो सकता है क्या, रेप्टाइल लिख दिया है, काट दें क्या? लिमुलस, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, कुछ कुछ सही लग रहा है। पाइसिस,
लिमुलस हट, कुछ भी, एडम सिया, रेडियली सिमेट्रिकल। एडम सिया का नाम याद है, सी एनीमोन, किसी को याद आ रहा हो तो। कहाँ था भैया ये, पॉलीफेरा में आता है क्या एडम सिया? पागल हो रहे क्या, सिलेंट्रेटा में क्या जाएगा फिर? ठीक है, बाकी तो ये सही था, पर ये पॉलीफेरा लिख दिया। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है, साइक्लोस्टोम है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा था, ओके ओके ओके। चल आंसर रिट, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, सारे लोग सही बताना, कोई गड़बड़ नहीं करना है ना, सारे के सारे लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करना, करेक्ट बिल्कुल। मैं देखो साइड भी हट गया हूँ। जल्दी से आंसर करें, अमेजिंग अमन सर नहीं हो रहा, जेई का हूँ, लाइक करने आया हूँ। धन्यवाद अमेजिंग अमन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्कूल वालों के साथ, उनका कुछ भला हो जाए, और उनको बता भी देना कि इससे पहले वाला वीडियो भी देखना है, या फिर उनको यहीं भेज दो, मैं दो बार और बोल दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आंसर करो, काफ़ी टाइम लगा रहे हो आंसर करने में, क्या हुआ है? जल्दी 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 आ जाओ। बी फिनोमिनल, सबसे पहला आंसर फिनोमिनल का है भैया। बी, बाकी लोग क्या कर रहे हो? ओ शिट, बच्चों एक सेकेंड रुकना, हमारी बैटरी ऑफ हो गई है, वो जो पुराना लेक्चर था उसमें हमने बैटरी ज़्यादा खा ली। जब तक आंसर करो आप लोग, मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बैटरी चेंज करना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं क्लास कैसे होगी। सही बात, हाँ मुझे पता है, ब्लैक स्क्रीन हो गई होगी, सारा कुछ मुझे आइडिया है, तो कोई परेशान नहीं होना। चलो बस 10 सेकेंड रुको, स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सबको दिख रहा होगा अब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी दिखेगा, बस जस्ट अ सेकेंड। दिखने लगा सारे लोगों को पूरी तरह से, कोई छूट तो नहीं गया? चलो आंसर करो जल्दी से, हाँ जाने नहीं देंगे इतनी आसानी से तुमको। आंसर करो आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा बी आंसर आ गया था, दो तीन लोगों ने बोल दिया था, अच्छा सबने बी बोल दिया था, ओ आई एम सो सॉरी। मैं आंसर बता देता हूँ भैया क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को किसके साथ ले जाए? मेरे को ये अच्छा लग रहा है, एस्टीरियास वगैरह है ना। हेमिकोडेटा के साथ किसके ले जाए भाई? ये दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे, इनके साथ ले जाते हैं, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ नहीं, यहाँ ले जाना था, मतलब ए का 2 और बी का 4, बाकी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ए का 2 और बी का 4, अपना काम इतने से हो जाएगा। अरे नहीं हुआ, सी का भी देखना पड़ेगा। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में क्या इसको ले जाए, एसीडिया डोलियोलम, तो सी का 1, क्या करें, ए का 2 बी का 4, एक में काम चलता रहा था, बी आंसर है। आई एम सो सॉरी, मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया है ना, अब आपसे भी गधा होता जा रहा हूँ मैं। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, ये और भी ज़्यादा इजी सवाल है, ये मैचिंग एटलीस्ट स्पीड में कर दो, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमको वक्त लगता है, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट रीड करना होता है, ये बहुत इजी होते हैं, इनमें एक भी आंसर पता हो तो आपको सारे आंसर पता लग जाते हैं। ठीक है, कम ऑन स्पीड अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। साइड में हूँ साइड में हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर से मैचिंग है, मैच करना है आपको, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किसका कौन सा एग्जाम्पल है।
अब कोई हंसना मत, लिटरल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, किसी को भरोसा ना हो तो पेपर जाके देखना एक बार। सी फिनोमिनल ने आंसर कर दिया है, फाइसेलिया ए का फोर, ओके, मैंड्रिना ब्रेन कोरल, ओके, गोर्गोनिया सी फैन, एडम्सिया सी एनीमोन, डी का वन लगाना है, डी का वन दो में ही है, बी अकेला पता लग जाए, बी का टू, डी का वन, सी आंसर। बिल्कुल सब लोगों ने सही बताया है, इट्स 110%, इट्स सी। ठीक है, फाइसिलिया क्या है आपका, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, मियंड्रिना ब्रेन कोरल, गॉर्गोनिया सी फैन, एडम्सिया सी एनिमोन, इट्स सी करेक्ट। जल्दी से ये और बता दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कॉलम वन कॉलम टू दिख रहे होंगे आपको, अब मैं सीधा ऑप्शन दिखाऊंगा, लास्ट ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, पर परेशान मत होना, हो सकता है लास्ट ऑप्शन ना दिखे, पर आप ऊपर के चार भी पता कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। एम्स PYQ, एम्स के तो और भी इजी होते हैं, चलो किसी दिन एम्स की भी करवा लेंगे। मैचिंग बेटा सबसे इजी होती है, मैचिंग में आपको सारे थोड़ी मिलाने होते हैं, दो मिलाए तीन मिलाए हो गए कंप्लीट, बाकी तो अपने आप मिल जाते हैं। लाइक आपको ये कंफर्म्ड है, जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा था, जैसे मैं इसको करके बताऊंगा अभी। ठीक है, फिनोमिनल ने जैसे डी आंसर कर दिया है, ठीक है, डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है पर उसने डी आंसर कर दिया है, इट्स ओके। तो हम यहां पर देख लेते हैं भाई क्या आंसर हो सकता है। ग्रेगेरियस पेस्ट एक ही दिख रहा है मुझे, लोकस्ट, तो ए का फाइव, सॉरी 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 सॉरी, ए का फाइव। अब यहां पर देखो ए का फाइव किस में आ रहा है, आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ABC, उसमें ए का फाइव एक में भी नहीं है, तो और आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, डी होगा, तो बाकी सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। समझ आया कैसे करते हैं, खुशी बात समझ में आई, ए का फाइव है, डी ऑप्शन दिख नहीं रहा, डी ऑप्शन ही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से अपनी मैचिंग आ गई है ना, थोड़ी देर बस मैचिंग चलेगी फिर मैचिंग खत्म हो जाएगी, थोड़े से क्वेश्चन जरूरी होते हैं मैचिंग के, ये आपको ना कॉन्फिडेंस देते हैं। चलो जल्दी से अगला आंसर, ई देख के ही पता चल गया, बस ऐसे ही करना होता है, मैचिंग के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करने होते हैं। जल्दी से आंसर करो इसका, हाँ दिख गया, सारे सारे ऑप्शन दिख गए, मैं फिर से बैठ जाता हूँ भाई, आंसर करो। जल्दी से फास्ट, रौनक डी, बाकी फिनोमिनल और खुशी ने बी आंसर किया है, ओके। एक आध और कोई बता दो, एक बात बताओ, 14 लोग होते हैं, रिप्लाई 7-8 लोग करते हैं, बाकी लोग सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब करोगे तब समझ में आएगा क्या चल रहा है यहाँ, तो अंदर से फीलिंग नहीं आती होगी ना, बी और डी में लोग घूम रहे हैं। फिनोमिनल बस 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 तुम्हारी आंसर दिख रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो देख लेते हैं भाई क्या है, सीडो सीलोमेट देख के मुझे एक ही चीज समझ में आती है, SK-L-29 की बात चल रही है, पर यहाँ के SK-L-29 दिख ही नहीं रहा, अब क्या करूं मैं, SK-L-29 दिख रहा है तो उसके एग्जाम्पल दिख गए, ए का थ्री, अब यहाँ देख लो ए का थ्री किस में है, या तो आंसर बी होगा या डी होगा, तो अब बी और डी तो दोनों में ही तीन लिखा है, तो अब बी चेक कर लेते हैं, आंसर पता लग जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक तो कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि बहुत सारे होंगे डिप्लोब्लास्टिक होंगे, है ना, तो भाई डिप्लोब्लास्टिक तो आंसर पता नहीं लगने वाला। सी वाला देखेंगे तो सी में भी 4-4 है, डी देख लेते हैं तो डी में एक बार में ओहो नहीं, सारे देखने पड़ेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो डिप्लोब्लास्टिक देख लो, डिप्लोब्लास्टिक आपका कौन सा है, हाइड्राइडम्स ये डिप्लोब्लास्टिक है क्या, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा आपका और क्या बचा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको मिलेगा पॉरीफेरा में, ठीक है, तो पॉरीफेरा कहाँ है, ये रहा सी का 4, ये कंफर्म है। रेडियल सिमेट्री, अब रेडियल सिमेट्री आपको किसमें मिल जाएगी, इसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है, मतलब डी का 1 और 2 में से कोई भी हो सकता है, सही है, मेटामेरिज्म से आंसर आ रहा है क्या, शायद मेटामेरिज्म से आंसर आ रहा है, आई हो। ई का 5, ई का 5 भी है, अच्छा डी का 2 और 1, 2 और 1, ओके, तो दोनों लोगों के आंसर सही है।
बेटा आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए जो नंबर आपको उसमें दिया हुआ है राज, आप उस पे कॉल करिए। तो यहाँ पर भाई देखो, जिसने डी का 2 लगाया है और डी का 1 लगाया है, दोनों ही आंसर सही है, दोनों में रेडियल सिमेट्री ही मिल रही है आपको। नहीं, दोनों में रेडियल कहाँ, दोनों में मिल रही ना, टीनो प्लेना, ओके, टीनो प्लेना और ओरेलिया साथ में लिखा हुआ है और हाइड्रा एडम्सिया लिखा है, ठीक है, इट्स कूल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, दो आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी इशू हो गई। अब आए हमारे असली सवाल, जिनसे तुम घबराओगे भी और जिनसे तुम्हें डर भी लगेगा और जिनसे तुम्हें पता लगेगा सवाल होते क्या हैं। चलो आ जाओ, अब बताओ वी सी देख के बेटा, जल्दी जल्दी बताओ आंसर, टाइम मत लगाना है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक तो पहला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये लोगों से मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो करेक्ट करेंगे। आयुष राजपूत, ओके, आप नए लग रहे हो आयुष मुझे। नहीं, हमारे मल्टीपल अब नहीं आते, एक दो एग्जाम होते थे जो लेते थे मल्टीपल, अब तो वो भी बंद हो गए एग्जाम। चलो आंसर करो बेटा जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। और जो नए आ रहे हैं भैया, सब्सक्राइब मारते जाना है ना, वो लाल बटन पे कूद कूद के, बिल्कुल जंपिंग जपैक, जंपिंग जंपिंग ऐसा वाला। सी फिनोमिनल, आज क्या खा के आया भाई, फिनोमिनल सबसे पहले आंसर कर रहा है आज। रौनक ए, आयुष भैया तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और हमारे साथ अभी क्विज करो, है ना, उनके साथ शेयर भी कर दो साथ में, वो भी आ जाए जिससे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही दिया होगा अब तक आपने। चलो मैक्सिमम लोग सी बता रहे हैं, देखते हैं भाई सी है कि नहीं। करेक्ट पूछा है, पहली चीज तो क्या है, करेक्ट पूछा है। हम देख लेते हैं, पेल्विक फिन्स ऑफ फीमेल शार्क बियर क्लैस्पर्स। किसी ने सही तो नहीं लगा दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अरे यार सारे लोगों ने आंसर सही किया है। हाउ, यहाँ पर लोगों ने, कोई ने फीमेल को ध्यान दे लिया था सब लोगों ने, मैंने स्पेशल गलत बोल दिया। और यहाँ पर ये लाइन गलत लिखी है, सेक्सुअली नहीं आया, सेक्सुअली आना था, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट तो हो गया भैया गलत, काट दो इनको। अब बचे थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेटमेंट, फ्लेम सेल प्लेटिहेलमिंथीज करेक्ट, नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है, बिल्कुल सही। और कॉर्डेट्स में कैसा होता है, सिंगल होता है, हॉलो होता है ना, और आपका डोर्सल होता है, पिन्नार प्रेजेंटेड मेमल, बिल्कुल सही। तो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेक्ट है। चलो यार आंसर सही बता दिया तुम लोगों ने, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरे को गलत करवाना है भाई, करो ये वाला करो, अब कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, अब देखिएगा, करो ये वाला करेक्ट करो, ऐसे करेक्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, गलत करो, हमको भी थोड़ा मजा आए तुम्हारे मजे लेने में। फिर से फिनोमिनल ए, गजब, क्या कर रहा है आज ये। चलो सब लोगों ने ये आंसर कर दिया है। चलो पैरापोडिया लेटरल अपेंडिसेस इन आर्थ्रोपोड यूज फॉर फ्री स्विमिंग, क्या ये सही है, गलत, ये आर्थ्रोपोड्स में थोड़ी होते हैं पैरापोडिया, एनलिड्स में होते हैं। रेडुला इन मोलस्क का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, इनकरेक्ट पूछे हैं। तो रेडुला एक्सक्रीशन का काम करता है क्या, अभी अभी बताया था कुछ 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 बताया था ना रेड्यूला के बारे में, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, याद आ रहा है कुछ। चलो आगे का देख लेते हैं, एस के एलमिंथीज आर डायोशियस, बिल्कुल सही। एकाइनोडर्म एडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री, जो एडल्ट होते हैं रेडियल दिखाते हैं, बिल्कुल सही। और ये खतरनाक बात है, लोग भूल जाते हैं, टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही। तो ये तो सही हो गए, तो गलत दो कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो गलत ही पूछे थे ना, इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ इसका जल्दी से बताओ फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट फॉर रेप्टिलिया। अब देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है, रेप्टिलिया आपने भी पढ़ लिया होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको ऑप्शन क्लियरली दिख पाए।
आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट छांटना है जो करेक्ट लिखा हुआ है। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। ए ए धमाके होने लग गए ए ए के। चलो देख लेते भाई। बॉडी कवर्ड विद ड्राइंग कॉर्निफाइड स्किन स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये सही हो गया, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। बॉडी इज कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन, ये तो एम्फीबिया की बात चल रही है ना, क्लोइका वगैरह लिखा है। फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन एंड एयर ब्लैडर रेगुलेट बायोएंसी, ये ऑस्टिक थीस की बात चल रही है। ठीक है, मराइन एनिमल्स विद कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल, ये कॉन्ड्रिक थीस की बात चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से किया करो थोड़े से। या बिल्कुल सही, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं भाई, क्या हुआ है। सही सही बताओ क्या खा के आए हो, इतने सही कैसे हो सकते हो भाई, सारे आंसर करेक्ट कर दोगे तुम तो। रौनक भाई बंगाली लिखी है क्या, मुझे पता नहीं लिटरल में कौन सी लैंग्वेज है। राज आई एम सो सॉरी, इस बार मैं पक्का बोलूंगा, मैंने देख नहीं पाया आपका आंसर, आई एम सो सॉरी। जो भी आंसर इस बार पहले करेगा उसका, ओ श्रेजल आयुष दोनों ने आंसर कर दिया है ए और ए। चलो भाई ए और ए देख लेते हैं क्या आंसर ऑप्शन है। ए करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग क्लास एव्स, एव्स के बारे में क्या सही है क्या गलत है आज हम यही पता करेंगे। ठीक है, तो लिखा है द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड द हाइंड लिम्स जनरली ऑफ स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। करेक्ट। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। करेक्ट। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। करेक्ट। ए क्यों बोल रहे थे भाई, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। करेक्ट। ए क्यों बोल रहे थे, ऑप्शन हाइड है। हाँ मैं समझ गया, पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है यही बोल देते। डी ऑप्शन इज करेक्ट, अब दिख गया होगा, देखो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। मैंने देखा नहीं था, ए क्यों बोल रहे थे देवताओं, ये तो कैसे भी नहीं हो रहा था। चलो अगला बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब नहीं गड़बड़ होगी, टेंशन मत लो, मुझे आइडिया लग गया कहाँ तक का नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसका तो करेक्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग करेक्ट बताते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कुछ कम लोग ही आंसर कर पाएंगे इसका। जल्दी जल्दी जल्दी, ये मतलब ना खतरनाक क्वेश्चन है, हर किसी के बस का नहीं है ये। बिल्कुल, कल से आएगा असली मजा, कल से होगी हमारी पढ़ाई खतरनाक वाली, कल से हम फोड़ेंगे बायो, मतलब ऐसी कर देंगे ना बिल्कुल लगेगी नहीं बायो है क्या है, ये मजाक चल रहा है। फिनोमिनल सी, खुशी सी, संग्रिया सी, सब लोग सी पे क्यों जा रहे। अरे तुम ब्लैक ब्लॉक नहीं हो, कभी कभी हो जाता है, मुझे भी नहीं पता किस किसी के मैसेज नहीं आ पाते हैं, नहीं तो ब्लॉक नहीं हो अंश, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम क्यों करेंगे पाप। ठीक है, सबने सी आंसर बोला है, बिल्कुल सही है। सी का मतलब क्या है, यहां पर ब्लास्टोस्पोर से क्या बनेगा, पहले माउथ बनेगा, और ये किसमें देखने को मिलता है आपको, प्लेटी हेलमिंथिस से लेके मोलस्का तक। ठीक है,
तो ये अपना किसका पूछा है, काइनोडर्मेटा में। तो यहाँ पर भाई कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो गया ये, जरा बताओ जरा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे आंसर कर रहे हैं। सी सब लोगों ने आंसर किया है, क्यों? सी आंसर क्यों किया है अभी अभी? और ये तो मैंने जब पहला दिन आपको जब क्लास ली थी अलग से बताए थे। देखा भाई, आइडिया है मेरे को, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेजेस आती है मुझे, बस पढ़ना नहीं आता, बात अलग है। अरे देवताओं, ये आंसर तो बताओ, ये सब लोगों ने कॉपी कर मारा है क्या? सबने सी आंसर बताया है। शिखा ने सी बोल के फिर एक्सप्लेन कर रही है कि काइंड ऑफ प्रोटोस्टोम्स कहाँ होता है, नॉट पूछा है क्या? ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, चलो सॉरी 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 सॉरी। इससे पता लगता है, देखो मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करके नहीं आता है ना, पेपर बनाया और आ गए, अपन साथ में सॉल्व करते हैं तो मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, आगे करो आगे करो आगे करो आगे करो, सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई थी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है। प्रणय ने आंसर कर दिया भाई इतनी जल्दी, सी। अच्छा प्रणय पीछे चल रहा है, भैया प्रणय तुम एक काम करो, रिफ्रेश मारो एक बार। नहीं, फिनोमिनल सही बताया था, ऐसे दुखी नहीं होते अपन, है ना, अपन कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपन आंसर ही चेंज करवा देते हैं, या तो बोनस जाता है या अपना आंसर चेंज करवा देते हैं जो अपन सही लगाते हैं। तो शिवम डी, राज सी, खुशी डी, राज भाई सी बता रहे हैं, खुशी, सब लोग डी बता रहे हैं, राज तुम्हें क्या हो गया? चलो विच ऑफ द, और जो जिसका थोड़ा लेट चल रहा है ना उनका रिफ्रेश कर लो भैया। यहाँ अब मैंने अच्छे से देख लिया है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, और वो भी पूछा गया फ्लैट बम्स के बारे में, जो कि होती है प्लेटी हेलमिंथीस, तो देख लेते हैं। दे आर एसीलोमेट्स, 100% करेक्ट। दे आर बाइलिटरली सिमेट्रिकल, 100% करेक्ट। दे लेक का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी सही है, इनकरेक्ट पूछा है। दे लेक का डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं भैया ये सही नहीं है, डी। हाँ नेट पैक भरवा लो, भरवा लो जल्दी जल्दी भरवा लो, ठीक है। तो डी आंसर इज करेक्ट, सारे लोगों ने करेक्ट बताया, ओके आपने सबसे पहले आंसर दिया है, आप बेटा पढ़ रहे हो ना, इसीलिए तो आंसर दे पा रहे हो, सारे लोग भी पढ़ रहे हैं, पर और अच्छा पढ़े। आंसर अपन को स्पीड में देना है, जल्दी से, देखते हैं इस बार कौन सबसे पहले आंसर करता है। आंसर इट फास्ट एज मच एज यू कैन, बिल्कुल दे दो, धमाकेदार आंसर कर दो जरा। या इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, अच्छा कंपटीशन चल रहा है भाई यहाँ पर, यस यही कंपटीशन की भावना तो चाहिए, जल्दी से। ओके फिनोमिनल ने भैया सबको फिर से पीछे कर दिया है ए आंसर करके, शिखा डी, शिखा का आंसर अलग चला गया है, एक ए आ रहे हैं सबके, आ रहे हैं एक का डी आ रहा है। भैया यहाँ देख लेना, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलोम ऑफ गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो बोला है राउंड वर्म्स आर सीडो सीलोमेट्स, सही है, इसमें क्या दिक्कत है, ये गलत क्यों किया? शिखा वापस से ए पे आ गई, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। मॉलस्क आर ई सीलोमेट, नहीं भैया ये सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट में भी हमने बात की थी, कौन से सीलोमेट होते हैं, साइजोसील, ये हमने बात की थी जब हमने पढ़ाई करी थी, है ना, कभी कभी कर लेते हैं अपन भी पढ़ाई। इंसेक्ट सीडो सीलोमेट्स, नहीं भैया सेम कंडीशन है। फ्लैट बम्स आर सीलोमेट्स, नहीं भैया यार ये ई सीलोमेट्स होते हैं, क्या कर रहे हो तुम, ए सीलो होते हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, अरे ये ऑप्शन बड़ा हो गया, करेक्ट पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देना, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, है ना, करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट पढ़ लो और मुझे स्टेटमेंट ही बता दो, क्योंकि ऑप्शन दिखेंगे नहीं तुमको, बड़ा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा।
लास्ट वर्ड लिखा हुआ है इज कॉल्ड सीडोसीलोम, कॉल्ड के बाद यहां लिखा हुआ है बेटा सीडोसीलोम, ठीक है, सीडोसीलोम लिखा हुआ है। हाँ, उसमें से कभी कभी आते हैं जब उनकी खोपड़ी खराब हो जाती है तो उसमें से भी सवाल पूछते हैं वो लोग। ये तीन स्टेटमेंट तुम तो डायरेक्ट बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है, दैट्स इट। बी, बी कैसे बता दिया तुमने अंश, ये कैसे जादू हुआ, मैंने तो ऑप्शन दिखाई नहीं है, स्टेटमेंट है ये ऑप्शन नहीं है। ओके, डायरेक्ट तुम लोग सेकंड बोल रहे हो मतलब एनिमल्स। चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई क्या है ये, ऐसी चीजें सॉल्व कर लेनी चाहिए। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल एक्टोडम एंड एन इंटरनल एंडोडम आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। नोटोकॉर्ड इज एन एक्टोडर्मली ड्राइव, यही गलत हो गया, मीजोडर्म होती है ये, मीजोडर्मली ड्राइव्ड होती है, ठीक है, तो हटाओ इसको। तो इन सम एनिमल्स, ये गलत है ना, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम। तो भाई क्या ये स्टेटमेंट सही है, कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं करती है, इंस्टेड मीजोडर्म कैसे मिलता है उनमें, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में। ए एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। दो गलत हैं, दो कौन से गलत लग रहे हैं बेटा तुमको प्रणय, दो कौन से गलत लग रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ये करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, वैसे करेक्ट ही पूछा था ना, फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन आंसर चला जाता। पक्का ना, मैंने सही नहीं देखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट बता देना, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, एक काम करता हूँ अलग से ऑप्शन लिख देता हूँ, 1 1 2 3 1 3 4 ऑल थ्री। चलो आप तो स्टेटमेंट पढ़ो, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन है आइदर 1 1 एंड 2, 1 3 4 और ऑल। करेक्ट पूछा है, इनमें से चूज करो, या तो 1, या तो 1 एंड 2, या 1 3 4, या ऑल, चूज करो। अच्छा 2 गलत है, ओके ओके ओके, पढ़ना है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई मीन इंग्लिश मेरी बहुत खतरनाक है। तुम तो बस ऐसे बता दो स्टेटमेंट कौन से सही लग रहे हैं कौन से गलत लग रहे हैं, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत कम आए, क्या हो क्या रहा है आजकल, सिर्फ 28 लाइक्स। क्या कर रहे हो आजकल तुम लोग भैया, नए प्राणी कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब मारते रहे। 3 एंड 4, 1 3 4, 1 3 4, फिनोमिनली, अरे 3 बार बुलवा दिया तुमने। चलो देखते हैं बाकी लोग भी कर दो भैया, पढ़ना है 1 3 4, 1 3 4, दो कुछ लोग 1 3 4 है, कुछ 1 4 वाले हैं, देख लेते हैं। चलो इसमें भी क्या सोचना, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स शोज वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल शोज वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, बिल्कुल सही है, अलग अलग में जाओगे ऑर्गन सिस्टम अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाएंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी एलिमेंट्रीज इज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हेंस कॉल्ड कंप्लीट। अरे भैया पूरी बात सही लिख के कंप्लीट लिख दिया, वाह गलत है। इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बैथेड इन इट, सही बात है भैया, ये आपको देखने को मिलता है हमारे आर्थ्रोपोडा भैया है ना, सबसे फेमस एग्जाम्पल। मतलब इन क्लोज टाइप द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, बिल्कुल सही बात है। तो 1 3 4 इज करेक्ट आंसर,
चलो फिर हमारी एक मैचिंग आ गई, जल्दी से आंसर करना, बहुत इजी है ये। किसी को कैटफिश पता है क्या होती है? इसमें सही स्टेटमेंट बताने थे, कोई बात नहीं, अगला बताओ। वन थ्री फोर सही था, 1 3 4, 1 3 4 जो सबने सही बताया था। प्लीज क्लास किस प्लेटफॉर्म पे है? हम यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे पढ़ना, लेकिन वो क्लास अनलिस्टेड होगी, जिसके पास लिंक जाएगी सिर्फ वही बच्चे आ पाएंगे उसमें। मेरे से कांटेक्ट तुम कर पाओगे कल के बाद कभी भी, क्योंकि आज तो बहुत रात हो जाएगी, तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, कल आपको दोपहर तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? चलो डोंट वरी पढ़ना है, सारा कुछ सेटल कर दिया जाएगा कल दोपहर तक आपका। शिवम, सब लोग डी बोल रहे हैं, ओके डी डी डी, सब डी वाले हैं। कॉकरोच, कॉकरोच में क्या करें भैया, कॉकरोच के पास क्या होगा? कॉकरोच किस में आता है पहले तो ये बताओ। कॉकरोच आता है हमारे आर्थ्रोपोडा भाई सब में, है ना? तो आर्थ्रोपोडा में क्या देखने को मिलता है? मेलपीजियन टिब्यूल्स। कैटफिश, कैटफिश भैया क्लेरियास, किसी को याद आ रहा है क्या? क्लेरियास मगर, है ना, वही कैटफिश है, ऑस्टेक्थीज वाली। तो क्या देखने को मिलेगा? कुछ दिख नहीं रहा मुझे। किडनी, फ्लेम सेल, प्रोबोसिस ग्लैंड, नेफ्रिडिया। किडनी लगा देते हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो चलो। अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या लगाते हैं भैया? अर्थवर्म हमें सबको पता है एनेलिडा में आती है, और अर्थवर्म मिलती है नेफ्रिडिया। बेलेनोग्लोसस, प्रोबोसिस, फ्लैट वर्म, फ्लेम सेल। बहुत ही खतरनाक सवाल था यही तो भैया, सबने सही बता दिया है, आगे से ऐसे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। चलो ये आया है अब क्वेश्चन बहुत दिन बाद, थोड़ा खतरनाक सा, जिसमें आपको लगे थोड़ा सा, सॉरी सॉरी सॉरी। या कैट फिश इज मगर फिश, बाकी तो सब आपको पता है, बस वही नहीं पता था इसलिए मैंने बताया। मगर ऑस्टिक तीज में जाओ, वहां पर चार एग्जाम्पल लिखे हैं, पढ़ना टेंशन ना लो, बताया ये भी। एग्जाम्पल्स जो बताए थे ना पीडीएफ खोलना, एनिमल डाइवर्सिटी वाला, वहां पर आपको मिल जाएगा। मैंने भेजा नहीं है कि पीडीएफ, भेज दूंगा, मैंने लिंक भेजी थी आई थिंक। सब ये बता रहे हैं, चलो भैया इसमें वक्त नहीं लगाते हैं, जब सब यही बता रहे हैं। बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड एंड ट्रंक, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स ओनली। किसके बारे में बोल रहे हैं? एम्फीबिया के बारे में ना, ठीक है। हेड एंड ट्रंक करेक्ट है, रेस्पिरेशन गिल से गलत है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इंटरनल है गलत। ओनली वन, सबने सही बताया है। सब पढ़ कैसे रहे हो भैया, क्या कर रहे हो आजकल तुम? एक क्वेश्चन तो गलत करो, आज एक भी गलत नहीं कर रहे किसी ने, ऐसे कैसे काम चलेगा? सारे लोग ही करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तुम किसी और ग्रुप पे चले मत जाना, वो लोग डर जाएंगे तुमसे। कभी कहीं क्विज चल रही है एनिमल डायवर्सिटी का और किसी और चैनल पे चले गए, डर जाएंगे लिटरली, सारे आंसर कर दोगे तो। कि क्या हो रहा है, कहाँ पढ़ के आ रहे हैं बच्चे? चलो आंसर फास्ट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेक्ट पूछा भाई, डी आंसर आ रहा है भाई। चलो देखते हैं डी आंसर क्या है, पूछा है करेक्ट, और किसके बारे में पूछा? सीलेंट्रेटा के बारे में। एक्वेटिक होता है, मोस्टली मराइन होता है, सेसाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। कोई दिक्कत है? नहीं,
दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम, कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल आर साइकोन, अरे भैया क्या एंड में पोरीफेरा के एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। तो आंसर आपका जाएगा 1, 2, 3 सी, जिसने भी बताया था। ये डी किसने बताया था, क्या हुआ इनको? ओके ऐसा ही होता है भाई, देखो यहाँ पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसे ही आंसर जाते हैं। रौनक क्या हुआ, सिर्फ ए सही लग रहा है, बी और सी में तुम्हें क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी की लाइन से दोनों। हाँ एग्जाम्पल पॉरीफेरा के, इसीलिए तो गलत कर दिया, तभी तो 1, 2, 3 आंसर गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो आंसर इट फास्ट। नहीं इसका आंसर नहीं कर पाओगे, इसका आंसर तुम नहीं कर पाओगे, मैं आंसर करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। ये ऑप्शन में देखो ए है, कहीं बी का नाम ही नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अपन इनको ऐसे ऐसे गंदे गंदे से काट देते हैं, अपन खुद करते हैं। पेनाटुल्ला को क्या बोलते हैं, सी पेन। एंटेडॉन को क्या बोलते हैं, एंटेडॉन क्या बोलते हैं, सी लिली। एकाइनस को सी अर्चिन, और कोकुमेरिया को सी ककंबर, ठीक है। तो इनको मत देखो जो बगल में लिखे हैं, ये तो सही लिखे हैं, पर यहां ऑप्शन गलत है, तो आपको एक भी आंसर मिलता ही नहीं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर का मतलब समझो, देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हो, डाइजेशन करके आ रहे हो। कहने का मतलब समझो, जैसे डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं, अब बैक्टीरिया हमारी बॉडी तक को खा जाते हैं, लाइक आप मिट्टी में जहाँ जहाँ दफनाया जाता है वो बॉडी तक को खा जाते हैं। कैसे खा पाते हैं, इतना सा बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बॉडी की बॉडी चल कर गया, मतलब चट कर गया, कैसे कर जाता है वो, क्या करता है, बाहर एंजाइम छोड़ता है। जब बाहर एंजाइम छोड़े तो डाइजेशन बाहर हो गया, बाहर डाइजेशन हो गया तो अब्जॉर्ब कर लिया। कुछ सिमिलर सिमिलर 100% नहीं, कुछ सिमिलर सिमिलर यहाँ भी होता है, हालांकि यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, पानी के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, पर कुछ सिमिलर सिमिलर इस तरह की चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन तो हो गए थे ना हमारे, काट दिया तो मैंने, चलो आगे बढ़ रहे थे। करेक्टली मैच पूछा है, फिर से वही केस है, मैच कर दो कर दो कर दो कर दो, इतने में तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, करो जल्दी से मैच कर दो। कौन सा वाला परफेक्टली मैच्ड है, जल्दी जल्दी करो। अब हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तीन देख लो, अगर तीन तुमको गड़बड़ लगते हैं तो चौथा आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है, आई नो, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, वैसे कर देता हूं मैं। डी ए डी, ओके ए डी ए डी डी ए ए डी ए ए, क्या कर रहे हो, गाना ट्राई कर रहे हो कि गाना हो जाए? ऐसे नहीं करते भैया, पाप लगेगा मुझे, मुझे आपको नहीं। एक बार ऐसे मैंने पाप लगा बोल दिया था, एक को बुरा लग गया था। चलो एस्केरिस बॉडी सेगमेंटेड है, एस्केरिस भैया एस्केलमेंटिस में आता है, सेगमेंटेशन कहाँ से मिल जाएगा, हटाओ इनको। और ये एनेलिडा में एस्केरिस कब से आने लगा, पागल बना रहे बिल्कुल, है ना। नहीं वो मीम की बात नहीं कर रहा हूँ, पागल बना रहे हैं बोला मैंने, मीम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सेलेमेंड्रा, ओ माय गॉड, सेलेमेंड्रा किस में आता है, रेप्टाइल में आता है कि एम्फीबिया में आता है, एम्फीबिया में आता है कि रेप्टाइल में आता है, पहले तो यही पता करना पड़ेगा। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, सही है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ऐसा होता है क्या, ये तो सही लग रहा है, ये तो कैसे करेंगे अब, सेलेमेंड्रा क्या बात है भैया, मुझे देखो कुछ चीज़ें समझ में आती भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। डाउट मस्ट बी प्रेजेंट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। टेरोपस, ओ माय गॉड, स्किन पस इज हेयर, मेमेलिया, टेरोपस मेमेलिया, ओके। विविपेरस, ओ माय गॉड, ये भी सही लग रहा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, फिर से रोक देते हैं। ऑरेलिया, ऑरेलिया क्या है, नाइडोब्लास्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑरेलिया में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हटा इसको पहले। अब बचे दो,
अब हम देख लेते हैं सवाल पूछा क्या था, मैंने भी नहीं पढ़ा सच्ची। ठीक है, फाइलम करेक्टली मैच पूछा है ना। चलो चलो चलो, आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं भाई। ट्वेल्थ की बायो कब पढ़ाएंगे? ट्वेल्थ की बायो कब पढ़ाएंगे? ट्वेल्थ की बायो चली रही है, ट्वेल्थ की बायो भी चलेगी। एक्सटर्नल होता है, बिल्कुल सही। वैसे एक्सटर्नल होता है पक्का? एग्जैक्टली, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है पक्का। ठीक है, इंटरनल किस किस में होता है? रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, और क्या याद दिला दूं, पॉरीफेरा, कॉन्ड्रिक्थीज, ये कुछ तो याद रख ही लेना, इनमें इंटरनल होता है। और भी कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ यही है, पर मेजर जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं। ठीक है चलो, हाँ सही है सही है सही है, मजाक कर रहा था मैं। आप समझ में आया क्या बोल रहा था? कहाँ चले गए? 23। भाई मैं देखूँ वो होते ना गधे बच्चे, मैं सच में हूँ, मैं तुम लोगों का आंसर देखता हूँ फिर मैं सॉल्व कर पाता हूँ, मुझे तो समझ भी नहीं आता क्या बोल रहे हो। ठीक है चलो, अब आंसर ऐसे मत करना। नहीं, फिनोमिनल बी नहीं बोला, मत टेंशन मत लिया करो, कभी तो कुछ कुछ बोलने दिया करो, तुम लोग बोलने ही नहीं देते, आज सारे आंसर करेक्ट कर रहे हो, मैं परेशान हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि डाउट वाउट क्रिएट हो दिमाग में, हो ही नहीं पा रहा है, कैसे कैसे काम चलेगा, सारे आंसर करेक्ट कर रहे हो, डर लग रहा है भैया, नींद आ रही है? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो भाई 11:15 बजे कौन सोता है, मॉर्निंग पर्सन भी नहीं सोते 11:15 बजे तो। सब सी बता रहे हैं, फिनोमिनल श्रीजल। चलो देखते हो, ये विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच, पहले तो ये बात कर लेते हैं, करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। रेप्टिलिया पजेस थ्री चेम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। रेप्टिलिया में तीन चेम्बर्ड हार्ट होता है विद वन इनकम्प्लीट, भैया एक तो बोला है विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन, सिंगल एक्सेप्शन की बात कर दोगे तो ये बात तो गलत है। क्यों? CAG याद आ रहा है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियलिस, इनमें फोर चेम्बर्ड होता है, बात खत्म। क्वालिटा पजेस अ माउथ प्रोवाइड विद एन अपर एंड लोअर जॉ, ऐसा जरूरी है क्या? ये क्वालिटा बोल रहे हैं, क्वालिटा बहुत बड़ा होता है, जरूरी नहीं है। कॉन्ड्रिक्टीज पजेस कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, ओके। मेमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका जाएगा कॉन्ड्रिक्टीज, कार्टिलेजनस स्केलेटन तो होता ही है भैया, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, और इसमें भी नहीं होता है ना अपर लोअर जो। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैबियल, तीनों एक्सेप्शन है बेटा, फिनोमिनल। 11:15 बजे उतने सुबह, चलो जल्दी जल्दी आंसर करना, थोड़े से स्पीड में करते हैं, मैं ही करवा देता हूँ थोड़े बहुत सवाल भी। अरे भाई ये क्वेश्चन है क्या ही है, तो भाई यहीं करवा दे रहा हूँ इसको मैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन कौन बनाता है ये। चलो, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा, कॉम्प्लेट्स, टीनोफोरा, नेफ्रिडिया, एनेलिडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा, मस्कुलर फुट, आपका मोलस्का, मोलस्के होगा ना, मोलस्का, कहीं दिख रहा है क्या? मिलाते जाना है ना, सारे आंसर मिल जाएंगे तुमको, क्लियर है क्या? सॉरी मस्कुलर फुट बोल रहे हैं ना, हम मस्कुलर फुट ही थे, फेरिंग्स नहीं बोला है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्लियर है, ये आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, कहाँ सॉल्व करवाते हो इसको हम? इसमें पूछा है कि करेक्टली मैच बताओ, बता दो भैया करेक्टली मैच बता दो तो जल्दी से, मुझे भरोसा है आप एक बार में आंसर कर दोगे सारे लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। सबको सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ सबको सब कुछ दिख रहा है, करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, DBBB, राज भाई साहब ने सबसे पहले आंसर किया है डी, फिनोमिनल बी, शिवम बी। चलो
डिस्कस कर लेते हैं भाई, बाकी लोगों के भी आ ही रहे होंगे आंसर। श्रेजल शिखा, इस बार तो बहुत ही भैया गड़बड़ हो गया, बी सी डी तीनों आंसर आ गए। चलो देखते हैं, पायला, बॉडी सेगमेंटेड माउथ विद रेडुला, पायला किस में आता है? मोलस्क में आता है। ठीक है भाई, बॉडी सेगमेंटेड होती है क्या? क्या कर रहे हो, हटाओ। ए तो नहीं होगा, चलो ए किसी ने बताया भी नहीं था, बी सी डी बताए थे। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग, सारी करेक्ट लग रही है, बॉडी सेगमेंटेड करेक्ट लग रही है तुमको, ये पायला वाली कैसे कर रहे हो, फिनोमिनल क्या कर रहे हो। एस्टीरियास, स्पाइनी स्किन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एस्टीरियास इतना तो सही है, इकाइनोडर्मेटा, ये तो मुझे भी सही लग रहा है, स्पाइनी स्किन भी होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है और इकाइनोडर्मेटा भी होता है। चलो देख लेते हैं आगे भी, साइकोन, पोर बियरिंग, कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, ये भी सही लग रहा है। आगे देखते हैं, पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा में, पेरीप्लेनेटा अमेरिका ना, कॉकरोच का नाम लिखा है तो, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोडा, गलत पूछा था क्या इसमें? नॉट करेक्ट तो नहीं पूछा था भैया, नॉट करेक्ट पूछा था, ए आंसर है, आई एम सो सॉरी। सारे लोगों ने सही बताया, बी सी डी जिसने भी बताया सबके सही है, माई मिस्टेक। चलो ये वाला सॉल्व करो, आज मैंने दो बार ब्लंडर कर दिया है, बस तुम लोग गलती नहीं कर रहे तो मैं कर रहा हूं। या न्यू एरा जेई फेंस, आप काफी ज्यादा लेट हैं, थोड़े से 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं। अंश का नाम ले लिया भाई, हाँ क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं था, क्वेश्चन करेक्ट ही था, मैंने इनकरेक्ट बता दिया था। ठीक है तो कोई बात नहीं, आज मैं गलती कर दे रहा हूँ, तुम तो नहीं कर रहे हो, तुम लोग तो पता नहीं क्या खा के आए हो, सबसे आंसर सही बता रहे हो, ऐसे नहीं करते भैया, टीचर डिमोटिवेट हो जाता है, आंसर गलत करने होते हैं। तीनों फोरा, ओ मैडम ने एक बार में बता दिया, एक्सक्लूसिवली मैराइन देख के बता दिया मैडम ने। बॉडी बियर्स आर 8 रेज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, ओ माई गॉड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बिल्कुल तीनों फोरा आंसर है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है चलो, आंसर आंसर आंसर, विच आर द फॉलोइंग फाइलम इज बींग डिस्क्राइब बाई गिवेन स्टेटमेंट, एक गलत मत करना ये वाला प्लीज, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, गलत कर देना भैया, इतना कठिन सवाल ना, ऐसे नहीं भाई, देखो गलत कर देना, एक आध तो गलत कर दो, सबको स्टेटमेंट ही, और अच्छा है लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा तुम तो पीसीएम हो, कोई बात नहीं, तुम भी आंसर बता सकते हो, ट्राई तो करो, सब बनता है, यहाँ जो पढ़ता है उस पर आंसर ही बन रहा है, आज कोई गलती नहीं कर रहा है। ए आर्थ्रोपोडा, चलो भैया मैंने भी देख लिया, आर्थ्रोपोडा सही है, मालपिजन टिब्यूस लिखा दिख गया मुझे, ए की जगह होती है, सब ने सही बताया, बिल्कुल सही, लेकिन याद रखना यहां पर हमें आंसर तो मिल रहा है, ये हमें पेपर में करने के लिए तो ठीक है, पर जब मैं इस तरह से करा रहा हूँ, टाइम अगर आपके पास है ना, आप आंसर दे देते हो, फ्री बैठते हो, उस टाइम पे आप चारों ऑप्शन पढ़ लिया करो। ठीक है ये चीज याद रखना, पेपर सॉल्व करने की ये तकनीक है, क्या है, टेक्निक को तकनीक भी बोलते हैं पर हिंदी में। चलो ओ आप रिमाइंड कराने आए थे, हम जरूर बनाएंगे, थोड़ा सा ना बिजी शेड्यूल चल रहा है, पक्का बनाऊंगा, न्यू एरा जेई फेंस, आईआईटी वर्सेस वर्सेस डॉक्टर्स, ओके अंश तिवारी, ए बी सी डी, क्या कर रहे हो भाई, मेरे को आती है ए बी सी डी पक्का। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत पूछा, गलत गलत आंसर करो, आ जाओ, हाँ सही बात है भैया, बायो में मजा आता है ना, पढ़ने में मजा आता है बायो, छोड़ दो छोड़ दो, मैथ छोड़ दो, कुछ नहीं रखा मैथ में, मजाक कर रहा हूँ, घर पे मत बोल देना कि टीचर भड़का रहा था, बायो ले लो। चलो भैया जो नए जरूर आ रहे हैं हमारे न्यू एरा जेई फैंस को छोड़ के, जो नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, न्यू एरा भाई साहब किसी को शेयर भी कर देना आप, डी सब लोग करेक्ट है भैया, एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं होता है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, प्रॉन में दो पेयर एंटीना भी होते हैं, नेमेटोसिस्ट निडेरिया, यहाँ मिलीपीड सबको पता हो, मिलीपीड सेंटीपीड, तो ये सेगमेंटेड बॉडी दिखती हैं, अलग ही पता लगता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन ये गलत है, बताओ इसको। अगला सवाल, आंसर इट फास्ट, चलो जल्दी से,
मिलीपीड सेंटीपीड बेटा इंसेक्ट होते हैं, आपने देखे होंगे इस तरह के इंसेक्ट होते हैं, इस तरह के। सेंटीपीड सेंटीमीटर से समझना बड़ी होती है, मिलीपीड मिलीपीड से समझना मिलीमीटर से छोटी होती है ना। एक में 100 तक होते हैं, एक में 1000 तक होते हैं ऐसे सेगमेंट। चलो आंसर करो। थैंक यू बॉस। अपने स्कूल वाले में भी कर देना, लोग आके जुड़ जाएं, और उनको बता देना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। सी खुशी श्रेजल, थैंक यू न्यू ईयर जेई फ्रेंड्स, गुड नाइट बॉस। अपना नाम बता देते तो मैं नाम बोल पाता, बहुत लंबा हो जाता है न्यू ईयर जेई फ्रेंड्स। सब सी बता रहे, चल देख लेते हैं। SK-1130 के लिए पूछे भैया करेक्ट स्टेटमेंट, द बॉडी इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल नेम राउंड वर्म्स, NCERT की पहली लाइन इसकी SK-1130 के। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, बिल्कुल सही बात है। सेक्सेस आर सेपरेट डायोशियस, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, बिल्कुल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसी को बोलते हैं ना। चलो नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, नहीं नेफ्रिडिया भैया एनेलिडा में मिलते हैं, तो 1 2 3 करेक्ट है। सबने सी बताया था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। शिखा तो रीजनिंग भी दे देती है, एम्स हो नहीं रहा होता तो ये बच्चे क्या करते, मतलब खतरनाक ही हो रहे हो। चलो नोटोकॉर्ड के बारे में कुछ कुछ पूछा है, गलत बताना है। तुम्हारा नाम अभी है, ओके थैंक यू अभी। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी, अरे दौड़ लगाओ, कहाँ तुम कछुए बने घूम रहे हो, खरगोश बनो। ऐसे कैसे काम चलेगा, इतनी इजी क्वेश्चन में टाइम लगा दिया। मेरा फैन क्लब भी है, सीरियसली मुझे नहीं पता भाई, जिसने बनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्र, मतलब मेरी तरफ से धन्यवाद। बी आंसर बता रहे फिनोमिनल भाई साहब, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है चलो देख लेते हैं सब। अरे फिनोमिनल नहीं, 5 बार 6 बार भी बोल दिया, 6 बार बोला 7 बार बोला, क्या कर रहे हो। चलो देख लेते हैं, इनकरेक्ट बोल रहे हैं भैया, किसके लिए, नोटोकॉर्ड के लिए। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल्स एंड एसिडियंस, बिल्कुल सही। एसिडिया साल्पा डॉलियोलम ये तीनों यूरोकॉर्डेटा होते हैं, ये लार्वल स्टेज में मिलता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज रिप्लेस बाय वर्टिकल वर्टिब्रेट कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है, वर्टिब्रेट में हो जाता है ऐसा। इट इज एबसेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ऐसा है क्या, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, वेरी बिगिनिंग से तो नहीं जाती है, एम्ब्रियो स्टेज से जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फीबियन एम्फियोक्सस, ये तो सही है, क्या दिक्कत है, एम्फियोक्सस में होती है ना पूरी लाइफ टाइम। चलो व्हाट वाज योर बायो मार्क्स, मेरे बायो मार्क्स कितने थे, अप्रॉक्स 340 335 थे, 335 थे शायद, 335 थे या 337 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बायो ही अच्छी थी बॉस, बस बायो ही अच्छी थी, बाकी फिर पढ़ना वढ़ना त्याग दिया था, फर्क तो इतना पड़ता नहीं है। दीपांकर आप खुश हो गए ना नंबर जान के, अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। निशांत सम्राट भैया आप भी सब्सक्राइब कर दो, आप भी मेरे को नए नए से दिख रहे हो, तो दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, क्लियर है ना ये वाला। चलो आगे, विच आर द फॉलोइंग कैटेगरीज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट, बिना एक्सेप्शन के बता दो तो जरा जल्दी से, अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले भाई, कॉलेज मिल गया आप काहे का कॉन्ग्रेचुलेशन। बायो मॉलिक्यूल्स पे वीडियो, आप कौन सी क्लास में हो विवेक, पहले तो मुझे ये क्लियर कर दो। अगर आप 21 और 22 के एस्पिरेंट हो फिर थोड़ा सा वेट कर लो, बायो मॉलिक्यूल्स पे बिल्कुल वीडियो आएगा। और अगर आप 20 के एस्पिरेंट हो तो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है कल से, उसको ज्वाइन कर लो, नंबर मैंने आपको बता दिया था, इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसको एक बार देख लो, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर जो नीचे एक ब्लैक आपके लिए लाइन आ रही होगी वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आंसर नहीं किया किसी ने, हाउ,
हाँ भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अभी अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। अच्छा, सब्सक्राइब हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ऐसे काम में अपन टाइम नहीं लगाते। चलो रेगुलर आया करो यार, पता रहेगा, तुम्हारा नाम मैंने आज पहली बार देखा है, निशान सम्राट। चलो, कॉन्ट्रैक्ट इज नोटोकॉट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है भैया ये। जिसको भी डाउट हो रहा है, एनसीईआरटी की लाइन देखें, उसमें बोल्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड लाइन है ये। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं भैया सारे विविपेरस नहीं होते, क्योंकि मैमल्स में प्रोटोथीरिया भी आते हैं, मेटाथीरिया भी आते हैं। ऑल स्पंजेस आर मराइन, नहीं भैया ये तो कैसे भी सही नहीं है। ऑल रेप्टाइल पजेस स्केल्स हैवन थ्री चैम्बर्ड, नहीं भैया थ्री चैम्बर्ड नहीं, तीन में होता है, फोर चैम्बर्ड, सीएजी में फोर चैम्बर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए, बिना किसी बॉलीवुड के, है ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ कई बार कैरी मिनाटी को, हालांकि कैरी मिनाटी से अच्छा मुझे भुवन बम लगता है। चलो, आई कॉन्ट अफोर्ड टू ज्वाइन द क्लास, ओके। तो भाई अभी क्या नींद आ रही क्यों तुमको? 31st का ए बताया है, ये अंश नए नए तरीके निकाल रहे हैं भाई साहब। मैं स्टार्टिंग से इसलिए नहीं देखता कि क्वेश्चन टाइम से कराना ना बेटा, आप तो रीवा के ही हो, आपको पता होगा घर भी जाना होता है रात में। चलो जल्दी से आंसर करो। शिवम ए, ओ दीपांकर, ऐसा मत क्या करो भैया, रेगुलर रहा करो जिससे आपको चीजें पता लगे, ठीक है, मजा तो तभी आएगा जब आप रेगुलर रहोगे। चलो डिस्कस करते हैं, इनकरेक्ट पूछा है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज ऑफ क्लोज टाइप, निहायती गलत बात है ये तो। पैरापोडियन एनिलेट्स हेल्प इन स्विमिंग, बिल्कुल सही बात है। फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, बिल्कुल सही बात है। एस्केलमिंथीज आर डायोशियस, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट पूछा, एक ही इनकरेक्ट है पहले वाला, ए, सबने यही बताया। ये क्या कर रहे भैया, ऐसा नहीं देखो फिर से तुम सही सही आंसर करने लग गए, गलत तो तुमने किया ही नहीं आज, एक तो गलत कर दो जाते जाते, खुशी होगी मुझे। ये तो तुम नहीं करोगे गलत, मुझे पता है। करेक्टली किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओपन टाइप होता है, बिल्कुल सही बात। जल्दी 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 फास्ट भैया, नए प्राणी जितने भी आ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन ठोक के जाएं और ये वीडियो भी देख के जाएं, क्विज कर लो भाई, पढ़ाई करवा रहे, मस्ती नहीं करवा रहे अपन, मस्ती भी, मस्ती के लिए तुम आ ही जाओगे मुझे पता है। अभी मैं किसी को ले आऊँ यहाँ पे डांस करवाऊँ, है ना, तो तुम आ जाओगे जल्दी से, पढ़ने नहीं आते हो। पेरी प्लेंट अमेरिका ओपन टाइप, क्या बात है क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बींग करेक्टली डिस्क्राइब बाई गवन स्टेटमेंट 1, 2, 4, एक ने सी बोला है, एक ने ए बोला है, निशांत ने सी बोला है, खुशी ने ए बोला है। चलो देखते हैं भाई, पहले तो करेक्टली बोला है, करेक्टली डिस्क्राइब करना है भाई, करेक्टली कर देते हैं। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास आर एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेज, इसी से पता लग गया साइक्लोस्टोमेटा है, पहला आंसर है, ए इज करेक्ट, जिसने भी ये बोला है। निशांत सी कैसे बेटा, पहली लाइन से ही क्लियर हो रहा है, दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, क्योंकि ये एक्टो पैरासाइट है तो सक्कर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, ठीक है। दे आर मरीन बट माइग्रेटेड फ्रॉम स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, ठीक है। नाम सुना होगा, एनाड्रोमस कैटाड्रोमस, खैर मैं बताता भी नहीं हूँ, पढ़ाता भी नहीं हूँ, पर कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया, एनाड्रोमस होता है, कैटाड्रोमस होता है, छोड़ दो कोई नहीं पूछता, वैसे ए एम एफ होता है, ए एम एफ, ठीक है, हटो आगे बढ़ते हैं। T4 का आंसर करें, आवाज चेंज हो जाती है भाई कभी कभी, तो हंसे ना, आ जाए आ जाए आ जाए जल्दी से। पेट्रोमाइजोन याद है, अच्छा ऐसा, पेट्रोमाइजोन के अलावा मैगजीन भी याद रखना है ना, अकेला पेट्रोमाइजोन काम नहीं आएगा। चलो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, स्पीड बढ़ाएं। डी, खुशी ने आंसर कर दिया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, खुशी, संग्रिया, खुशी, अच्छा दो बार आंसर कर दिया मैडम ने। चलो एक आध और कोई कर दो, कोई डिफरेंट आंसर कर रहा हो तो पहले कर दो, सब डी बोल रहे हैं। चलो मुझे लगा क्या हो गया, ओके करेक्ट बोल रहे हैं भैया, है ना, करेक्ट। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल,
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट किसके बारे में बोल रहे हैं? मोलस्का के बारे में। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ भैया सही लग रहा है ये तो मुझे। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल लंब। बिल्कुल सही बात है। माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। बिल्कुल सही आंसर किया है सब लोगों ने, बिल्कुल 34 का डी ही होगा। 35 जल्दी आंसर करें, ये मैं करवाऊंगा, इसमें ना टाइम बहुत लगता है। ये मैचिंग आज मैं करवाऊंगा मुझे, क्योंकि यही ईजी लगता है और मुझसे होती भी यही है, बाकी सब तो तुम बता ही देते हो। लिम्बलेस रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स बोला है, एम्फीबिया नहीं बोला है, तो गड़बड़ मत कर देना। लिम्बलेस रेप्टाइल में क्या आएगा? कोबरा आएगा, ठीक है। जॉलेस वर्टिब्रा, बिना जॉ के वर्टिब्रा, क्या भाई क्या बताएंगे आंसर। फ्लाइटलेस बर्ड, चलो मैं पहले ये बता दूं, ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, एलिफेंट। लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्टायोफिश। अब क्या बचा? जॉलेस वर्टिब्रा, लैम्प्रे, क्योंकि मुझे लैम्प्रे दिखाई नहीं दिया था, है ना। अब मुझे आता भी नहीं, जब कम आता है मुझे, तो जितना आता है उतना मैं बता देता हूँ। चलो आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट। थैंक यू थैंक यू। हाउ टू प्रोनाउंस ट्रिपेनोजोमा, ट्रिपेनोजोमा, इसमें क्या दिक्कत है दीपांकर? ट्रिपेनोजोमा, आ जाओ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब अच्छी लग गई थी तो दोबारा निकल गई, वो निकालना नहीं चाह रहे थे, मैं इनकरेक्ट बोलना चाह रहा था। चलो आंसर करो आंसर करो, स्पीड में आंसर करें, देरी ना लगाएं। सी शिवम, ओके। बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी जल्दी, सब सी बोल रहे हैं भाई। ये लड़कियां जीत रही भैया, लड़कों क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ। प्लेटी हेलमेंटिस है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सही बात है, इसमें तो इनकरेक्ट जैसे कुछ है ही नहीं। इन सीलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, टिश्यू है कॉम्प्लेक्स हो गई। नीरिस इज मोनोशियस, क्या कर रहे हो ये? नीरिस होता है डायोशियस, अर्थवर्म और लीचेस होते हैं मोनोशियस, उल्टा कर दिया। आंसर इज सी, सबने सही बताया है। खत्म, आज इतने सवाल थे आपके लिए। आज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं लाया था, मुझे पता था थोड़ा सेशन लेट हो जाएगा और वो बहुत लेट हो जाता फिर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 11:40 हो गया है। तो क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे? अब एक काम करना, एनसीईआरटी रिवाइज एक बार बहुत अच्छे से कर लेना, एक बार और, बस मेरे कहने पर डायग्राम सहित एक बार रिवाइज कर लेना कभी भी फिर। और फिर एक काम करना है ना, बहुत सारी क्विजेस चलती रहती हैं, कहीं एनिमल डायवर्सिटी क्विज चल रही हो ना मार्केट में आज रात में या कल मॉर्निंग में, तो जाके ना उनके मजे लेके आ जाना, ठीक है, मजे ले पाओगे मैं गारंटी दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक। हाँ मुझे भी 5G लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि मुझसे पहले ही आंसर कर दो तुम, क्वेश्चन देखोगे मैं जब तक यहाँ पेन चेंज करूँगा तब तक तुम आंसर कर दोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो गुड नाइट फॉर टुडे, सॉरी टू नाइट, और कल से हमारा बिल्कुल खतरनाक वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे उन्हें पता लग पाए चीज़ें। देखो मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, कई कई जगह पे ज्वाइन कर रखे हैं, लेकिन सब जगह कंप्लीट हो गया सबका, और फिर भी उनको ऐसा लगे ना कि वर्थ नहीं है, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने तो सब पढ़ लिया, तो एक बार उनको बोल देना कि भाई एक बार क्रैश कोर्स देख लो, और एक बार क्विज देख लो, एक बार वीडियो प्लेलिस्ट देख लो। तीन वीडियोज के 15-15 मिनट देखोगे ना तो 1 घंटे मुझे जज कर पाओगे। जज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जज तो आप किसी को भी कर सकते हो, और कंपैरेटिव जज करो ना, मैं तो बोल ही ना अकेला पर्सनल अकेले मुझे जज करो, जब कंपैरिजन ही रखोगे किसी के साथ तो कैसे समझ में आएगा। और किसी के साथ अगर तुम ये कंपैरिजन लगा रहे हो कि ये तो एनसीईआरटी बताए जा रहे हैं, दूसरा वाला तो देखो क्या क्या बता रहा है, तो दूसरा वो जो एक्स्ट्रा है वो भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन वो दूसरा बताने से तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले और तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला, क्यों बताएं, ठीक है। तो अपन रहेंगे थोड़ा अपन सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं कि भाई क्यों क्यों बताएं, नहीं बताना है ना, नंबर चाहिए ना, दैट्स इट। चलो गुड नाइट। आई हैव अ वन क्वेश्चन, व्हाई हैव स्नेक बाइट बॉडी फोल्ड ऑन बनाना प्लांट। भाई 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 समझो समझो, तुम इंसान हो, तुम्हें काटेंगे तो हाथ मोड़ोगे ना, तो प्लांट के पास भी तो सेंसेस होते हैं ना, प्लांट को जब लाइट मिलती है तो लाइट के अकॉर्डिंग जब चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनके अंदर जब पॉइजन जाएगा तो उससे नहीं हो सकता क्या?
सिंपल सी बात, कैसी बातें कर रहे हो शिवम, सॉरी निशांत। चलो क्रैश कोर्स का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा तो फिर क्रैश कोर्स का मतलब क्या रहेगा आयुष? यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा वो उनको लिंक मिलेगी, जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे कल दोपहर तक उनका ग्रुप बन जाएगा एक, और उनको प्रॉपरली लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट बच्चों। भाइयों और बहनों की बच्चों से बुरा मान जाता हो तो, है ना, बच्चों बोलना आदत होगी, जैसा भी दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े भाई बहनों।